आज हम इस एपिसोड में इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम का प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। आज का यह क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। आपको ड्राइंग एग्जाम गाइड इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकन को ऑल क्लिक करना है, वीडियो समझ में आया और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। यह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास राउंडर, इसे कंपास भी बोलते हैं, प्रोटेक्टर, स्केल और पेंसिल, यह ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। अब हम इंग्लिश, हिंदी और मराठी में क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर यह सभी लैंग्वेज में क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, उसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है और उसे समझ लेना है। इंग्लिश क्वेश्चन सेक्शन 5, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एग्जांपल 7, टू कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस द बेस एंड वन एंगल बीइंग गिवन। क्वेश्चन, ड्रॉ अ रोम्बस विद इट्स बेस 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन एंगल बीइंग ऑफ। हिंदी प्रश्न विभाग 5, चौकोर संरचना, उदाहरण 7, एक आधार और एक कोण दिया हुआ एक समोच्च चतुर्भुज बनाना है। प्रश्न, 5 सेंटीमीटर आधारों और 70 अंश के कोण वाले एक समोच्च चतुर्भुज की रचना कीजिए। मराठी प्रश्न, 5 सेंटीमीटर पाया व 70 अंश मापाचा कोण असणारा समभुज चौकोन काढा। इस प्रकार से 3 लैंग्वेज में ये क्वेश्चन हमने देखे हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बेस लाइन लेना है, उसका डिस्टेंस हमें लेना है 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ए बी 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ऐसी बेस लाइन हमने ली है। उसके बाद प्रोटेक्टर की सहायता से ए पॉइंट से हमें क्वेश्चन में दिए गए अनुसार 70 डिग्री का एक एंगल बनाना है। तो ए पॉइंट से मैंने इस प्रोटेक्टर का सेंटर वाला पॉइंट मैच किया और ये ब्लैक वाली लाइन ए बी लाइन से मैच किया इस प्रकार से, और यहाँ पर 70 डिग्री का एंगल करना है 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70 पर एक मार्किंग करना है और इस मार्किंग को ए पॉइंट से जोड़ना है। यहाँ पर हमें लिखना है 70 डिग्री इस प्रकार से। अब हमें कंपास में प्रश्न में दिए गए अनुसार 5 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है और कंपास का स्टील वाला, राउंडर का स्टील वाला पॉइंट ए पर रखना है। ए पॉइंट पर रखकर ये जो लाइन है यहाँ पर नाम देंगे हम ई। ए ई लाइन को एक आर्क बनाना है। ए ई लाइन पर हमने एक आर्क बनाया। आर्क बनाने के लिए राउंडर में हमने डिस्टेंस लिया 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर इस आर्क ने इस लाइन को जहाँ पर क्रॉस किया है वहाँ पर पॉइंट मिला, उसे नाम दिया। अब वही डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, वही डिस्टेंस से हमें 2 आर्क बनाने हैं। यहाँ पर हमें डी पॉइंट पर कंपास का, राउंडर का स्टील वाला पॉइंट रखकर एक आर्क बनाना है इस प्रकार से। इसी डिस्टेंस से ये डिस्टेंस कितना है तो 5 सेंटीमीटर। बी पॉइंट से इस आर्क पर दूसरा आर्क बनाना है। दोनों आर्क जहाँ पर क्रॉस हुए हैं वहाँ हमें पॉइंट लेना है और इसे नाम देना है सी। आप इसे इस प्रकार से यहाँ तक एक आर्क ले सकते हो, नहीं लिया तो भी चलेगा। अब हमें डीसी पॉइंट को जोड़ना है और बीसी पॉइंट को जोड़ना है, बी और सी को। इस प्रकार से
हमारा समचतुर्भुज तैयार हुआ है। अभी हमारा समचतुर्भुज ये क्वेश्चन सही आया है कि नहीं, इसे चेक कैसे करना है, तो ए बी इतना हमें डिस्टेंस लेना है और देखो बी सी इतना वो मिल गया है, सी डी इतना वो डिस्टेंस मिल गया है और ए डी इतना मिल गया है, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा सही आया है। समचतुर्भुज यानी इसके इस फिगर के जो चार भुजा है वो समान होते हैं, ये फोर जो साइड है ये इक्वल होते हैं। बच्चों आज का यह क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।